नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और इस वक्त हमारे साथ देश के ख्याति प्राप्त कथावाचक है, राम कथावाचक निर्मल कुमार शुक्ला जी महाराज। महाराज जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया पे, और मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आपके सानिध्य में बैठा हूँ और आपसे सवाल करने का मुझे मौका मिल रहा है। आप समाज को, देश को दिशा देते हैं। सबसे पहले ये चीज़ हमको बता दीजिए कि मानव जीवन में मोक्ष का जो शॉर्टकट है, जो सीधा रास्ता है, वो क्या है, कि आज के आपाधापी वाले जो जीवन में व्यक्ति कैसे शांति प्राप्त करे और मोक्ष की ओर अग्रसर हो। सबसे पहले तो आपको, चैनल को, आपके समस्त ग्रुप को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। और आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, और बल्कि ये कह लिया जाए कि मानव जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यही है। इससे बड़ा कोई प्रश्न नहीं हो सकता, क्योंकि यह जो जन्म मिला है, जन्म की अंतिम अंतिम अवस्था तो मुक्ति ही है सर। जब तक आप मुक्त नहीं होंगे, आप विद्वान हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, सेठ हैं, साहूकार हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, ये जन्म मरण का चक्र चलता ही रहेगा। जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, करोड़ों जन्म बीत जाए, मांडुक्योपनिषद में लिखा हुआ है कि हम एक आदमी जितनी बार पैदा हुआ और जितनी बार मरा, हमारे समस्त जन्म मरण के टोटल को एक कर दिया जाए, कितनी बार हम मरे, कितनी बार जन्मे, तो हजारों ब्रह्मांड भर जाएंगे। इतनी बार हम मरे, हजारों ब्रह्मांड भर जाएंगे, उपनिषद कहता है। इसलिए अंतिम हमारी यात्रा मुक्ति ही है। अब मुक्ति मिले कैसे, तो उसका सबसे सरल उपाय है सर जी, कि आप जगत में रहते हुए एक पनिहारिन जैसे पानी लेने नदी में जाती है। आजकल तो सब बंद हो गया, पुराने ज़माने में हम लोग देखते थे सिर पर एक घड़ा है, दो घड़ा है, तीन घड़ा है, चार घड़ा है, तीन तीन चार चार घड़े सिर पर रहते हुए, बगल में बेटा भी है गोद में लिया हुआ, और सहेलियों से बात भी करती जा रही है। ये सब होने के बाद भी पनिहारिन का ध्यान घड़े से एक सेकेंड भी टलता नहीं, उसका बैलेंस एक सेकेंड भी टलता नहीं। उसी प्रकार संसार की समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, संसार के समस्त आपाधापी में जीते हुए, हमको परमात्मा की सतत याद करना पड़ेगा। बिना परमात्मा की कृपा से मुक्ति नहीं हो सकती सर जी। ये हमारे यानी पुरुषार्थ साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है, और वह कृपा भगवान के ध्यान से ही हुआ करती है। एक छोटा सा दृष्टांत मैं बताऊं, राजस्थान में पहले रहट हुआ करते थे, रहट जानते हैं, कुओं को सिंचाई के लिए कुएं में, उसमें बड़ी भयंकर आवाज आती, चूचा चूचा। तो एक राजा साहब चले जा रहे थे, उनका घोड़ा प्यासा था, तो पानी कहां पिलाएं, तो रहट के पास, कुएं के पास गए। एक जाट जो है वो रहट चला रहा था, तो घोड़े को जब नाली में पिलाने के लिए गए तो रहट चालू हुआ, चूचा। जब चालू किया तो घोड़े ने सोचा ये कोई हमसे बड़ा जानवर है, और वो घोड़ा भगा चला वहां से, भाग गया। राजा दो चार बार पकड़ के आए, लेकिन जो रहट चालू हो, घोड़ा भाग जाए। राजा ने किसान से कहा, किसान तू अपनी रहट बंद कर, जब तक तेरी रहट बंद नहीं होगी, मेरा घोड़ा पानी नहीं पी सकेगा। किसान ने कहा, बाबूजी आपके घोड़े को चलते रहट में ही पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं रहट बंद कर दूंगा तो कुएं से पानी आना भी बंद हो जाएगा। इसलिए अगर उसे पानी पीना है तो इसी रहट के चूचा के बीच में ही पेट भर लेना पड़ेगा। उसी प्रकार जगत की समस्त जिम्मेदारियों के बीच ही, इसी लड़ाई झगड़े के बीच हमें अपनी यात्रा करनी पड़ेगी, और समय निकालना पड़ेगा। महाराज जी, एक और सवाल है, वो ये है कि कथा का जो कमर्शियलाइजेशन हो गया, अभी बहुत सारे चैनल्स भी अब हो गए हैं, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहां मैंने आपकी कथा को भी सुना है, और आज साक्षात मैंने आपके दर्शन किए हैं, और लाइव मैंने आपकी कथा को सुना, मैं काफ़ी प्रभावित भी हूं इस बात को लेकर के। लेकिन एक बात मन में आती है कि जो कमर्शियलाइजेशन हो गया अभी कथाओं का, आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका रिएक्शन क्या है, आपकी टिप्पणी क्या है? मैं प्रायः अपने प्रवचन में भी इसको स्पर्श किया था। देखिए, ऐसा है कि पुराणों में आया है कि अर्था पंचदश अनर्था संति, जहाँ अर्थ की बहुलता हो जाती है वहाँ 15 अनर्थ भी अर्थ के पीछे पीछे आते हैं। उन अनर्थों के नाम अनेक अनेक हैं, वो अलग की बात है।
तो आज अर्थ हमारे जीवन में प्रधान हो गया। अर्थ जीवन में आवश्यक है, पैसा आवश्यक है, पर पैसा ही सब कुछ नहीं है। दुर्भाग्य से हमने उसी को सब कुछ मान लिया और कथावाचक वर्ग ने भी उसी को सब कुछ मान लिया, और दुर्भाग्य है कि श्रोता वर्ग ने भी उसी को सब कुछ मान लिया। आज जिस बाबा के पीछे 10-20 गाड़ियां होंगी, देशी विदेशी शिष्य होंगे, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग हों उसके आगे पीछे, उसी को हम संत मानने को तैयार हैं भला। मार्केटिंग है तो ग्राहक भी बिगड़ गया और खरीददार भी, दुकानदार भी बिगड़ गया। अब ये कहें कि ग्राहक के कारण दुकानदार को बिगड़ना पड़ा या दुकानदार के कारण ग्राहक को बिगड़ना पड़ा, ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, क्योंकि जब श्रोता ही हमको आज के 15 वर्ष हुए मैं अपने साथ संगीत रखने लगा, पर मेरी दिल की बात मैं बताऊं, जब संगीत नहीं रखता था तब जो कथा हमारी होती थी उस कथा में बहुत उतार आ गया, क्योंकि हमें थोड़ा गाना भी पड़ेगा, थोड़ा लोकरंजन करना पड़ेगा। अब ये जमाने की डिमांड है, कई लोग भागवत के लिए आते हैं कि गुरुजी आप चलें भागवत करने, कैसे चलें, बोले संगीत में। हमने कहा भैया संगीत काय को रखते हैं, बोले फिर भागवत काय की हुई, तो लोग उसी को मानने। इन लोगों के कारण हमारा पेट पर्दा चल रहा है, हमारा मतलब हमारे भाइयों का। कई पंडित तो कथावा ये संगीत वालों से कहते हैं कि मंगलाचरण वगैरह कर दो तुम, तब मैं कथा करूँगा, यानी जो 2 श्लोक मैं गाता हूँ वो श्लोक भी यही लोग गाते हैं। तो इसलिए हमने परिश्रम बंद कर दिया और ताम झाम के बल पर विद्वान चुने जाने लगे। पहले साधु का मूल्य त्याग होता था और आज साधु का मूल्य भोग हो गया, इसीलिए साधु भी बिगड़ने लगे और श्रोता भी बिगड़ने लगे। ये बहुत घातक है सनातन धर्म के लिए, विशेष करके बहुत घातक है, समझे ना। अब ये सारी बीमारी हम ही लोगों में है, जैनों में अभी तक उनके मुनियों साधुओं में यानी थोड़ा बहुत आ रही है पर इतना नहीं आई। सरदार जी लोगों में देखो, ये तो सेवा को ही सर्वोपरि, कौन है जो मंदिर के दरवाजे जाकर के जूते में पॉलिश लगाएगा, ये तो केवल यही लोग कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने अर्थ को और अपने मान सम्मान को बड़प्पन दिया, उसका परिणाम है कि धर्म का बहुत चरण हुआ। महाराज जी मुझे वाइंड अप करना है, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, वो ये है कि आपको नहीं लगता कि आपके और श्रोताओं के बीच में एक वर्ग ऐसा आ गया जो कथाओं का मार्केटिंग करता है प्रॉफिट मेकिंग के लिए, और ये सारा जो तामझाम है उनका क्रिएट किया हुआ है, मार्केटिंग भी उनकी देन है, और जो गिरावट आ रही है कथाओं की बाजार में वो उनकी कारण हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, और उसमें दोनों का लाभ है। उनका तो लाभ है, कथावाचक को भी अनायास कुछ ऐसे मठ हो गए हैं जो हमारे पास आते हैं, उनके फ़ोन की महाराज जी आइए आधे आधे पर कथा कर लेंगे, आधा हमारे जो है संस्था को चला जाएगा, आधा आपको चला जाएगा। हमने कहा साहब जब मैं अपना पूर्ण समर्पण करता हूं तो मैं पूरा लूँगा, 2 पैसे ही आएगा पर पूरा लूँगा, मैं आधा आपको नहीं दूँगा। इसलिए नहीं दूँगा कि आपको क्यों दूँ, आप कौन होते हैं, आपकी कोई योग्यता नहीं है, आपकी कोई लायकी नहीं है, आप यानी केवल सोने के गधे हो सकते हैं, सोने के गधे यानी पैसे के संग्राहक हो सकते हैं, पर वो योग्यता सबसे बड़ी नहीं है। तो लोगों ने वही मैंने बताया, अर्थ के लोभ ने दोनों पार्टियों को बदला, यजमान भी बदल गए। यजमान को लगता है बड़े गुरुजी के साथ रहेंगे तो लाभ ज़्यादा होगा, और गुरुजी को लगता है कि बड़ा यजमान रहेगा तो मेरा लाभ ज़्यादा होगा। वो जैसे वो ठेकेदार साहब को लगा कि 2500 मुझे फ़ायदा हो गया, पंडित जी को लगा कि 2500 मुझे फ़ायदा हो गया, तो इस प्रकार तो न तू मेरी कहे न मैं तेरी कहूँ, बैठ करके सजेस्ट किया जाता है कि पंडित जी आप ये बोलिए, हमारी वाणी बिक गई, हमारा विद्वता बिक गई, हमारी हमारा ज्ञान बिक गया। यजमान आयोजक लोग हमें बताने लगे कि हमें क्या प्रवचन करना है, और जब ऐसा प्रवचन होने लगे तब धर्म का ह्रास हुआ करता है। इसलिए दोनों पक्ष हम बिगड़े हैं। ठीक है, वक्त निकाला बात करने के लिए धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेरा फिर से आशीर्वाद आपको, आपके समस्त मित्रों को आशीर्वाद, आपके नगरवासियों को आशीर्वाद, हमारे जनवार साहब को बहुत आपका आपका आभार, धन्यवाद। तो मेरे भी खुश नसीबी है कि आज निर्मल कुमार शुक्ला महाराज जी को कवर करने का मौका मिला, EGTN की सार्थकता भी है, और अगली बार एक और मेहमान, और तब तक के लिए नमस्कार।